गुड मॉर्निंग गाइज, इज मी गौरव एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माई यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग माइल्स। गाइज, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ये प्रोडक्ट। ये क्या है, ये अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एक माइक है, लेवलियर माइक, जिसको आप कॉलर माइक भी बोल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है। इसी टाइप का ये माइक है, ये माउनो कंपनी का है और मैंने अमेजोन से मंगवाया है। आप देख सकते हो अमेजोन का बॉक्स है। आज के इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ऐसे ही एक बहुत ही नॉर्मल माइक है, तकरीबन मुझे 400 रुपीज़ के आसपास में पड़ा था अमेजोन पर। ये जो माइक है मेरा बोया का माइक है, बहुत ही बढ़िया माइक है और आई थिंक 1.5-2 साल से मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी मैंने दूसरे माइक को परचेज़ किया है, कि उसका जो रीज़न है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा गाइस, तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना। तो चलिए अभी इसको करते हैं अनबॉक्स और फिर दिखाते हैं इसका मेन प्रोडक्ट। वैसे ये अमेजोन का बॉक्स है, इतना बड़ा है, बट अंदर जो मेन बॉक्स है वो यही है। सो गाइज, ये जो बॉक्स है यही है माइक का बॉक्स और बहुत ही छोटा सा है। ये माउनो कंपनी का, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है माउनो और यहाँ पे सारी कनेक्टिविटी लिखी है। आप फ़ोन से, कैमरा से, लैपटॉप से, सारी चीज़ों से आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। 3.5 mm का जैक आता है, तो आप कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हो। एंड कुछ इसमें इसके फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं तो वो तो हम पढ़ेंगे नहीं, बट इसका जो मॉडल नंबर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। AU400 इसका मॉडल नंबर है। तो चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं अंदर क्या क्या हमें साथ में चीज़ें मिली है। ये इस बॉक्स का एक काम करने है, इसको फेंक देते हैं। वैसे ये सील पैक नहीं था, खुला ही था। ओके, तो ये पाउच में आई थिंक माइक है और साथ में दो कूपन भी मिले हैं। और ये कुछ इसमें फीचर्स लिखे हुआ है और केबल की जो लंबाई है वो 2 मीटर मिलती है हमें। यहाँ पे इसका वेबसाइट और ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। ये अपने कुछ काम का नहीं है, अभी जो प्रोडक्ट है उसको पहले देखते हैं। सो गाइस, यही है माइक और केबल जो है 2 मीटर है, इट्स सफिशिएंट। और 2 पिन हमें साथ में मिलती है, ये एक अच्छी बात होगी क्योंकि इसकी जो एक पिन है मेरी टूट गई थी। वैसे इसको जैसे मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, मुझे आई थिंक ये पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही है अपना माइक गाइस। और अभी जो अपना माइक है इसको हटा के फिर मैं जो कैमरा का इंटरनल माइक है उसमें रिकॉर्ड करूँगा, देन आफ्टर इस वाले माइक से रिकॉर्ड करूँगा। आप ही बताना कुछ वॉइस में अगर डिफरेंस दिखा है तो। गाइस, अभी जो है मैंने ये बोया का माइक निकाल दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे पिन मोबाइल में अटैच नहीं किया है। और अभी जो आप ये आवाज़ सुन रहे हो ये इंटरनल मोबाइल की है, आप डेफिनेटली आपको आवाज़ जो है कम आ रही होगी। और अब जो है हम इस वाले माइक को अटैच करेंगे मोबाइल में और फिर इसकी जो है वॉइस क्वालिटी वो भी सुनेंगे। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये है माउनो माइक की। आप भी, मुझे भी पता नहीं है क्वालिटी का, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी आपको वॉइस क्वालिटी में डिफरेंस पड़ रहा है डायरेक्ट मोबाइल के इंटरनल माइक से और इस वाले माइक से, क्या क्या आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अभी मैं भी इसका जो साउंड क्वालिटी है वो चेक करूँगा, अगर अच्छी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। माइक जो है आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हो। ये जो माइक है अपने माउथ के पास में रहता है, तो इसकी जो क्वालिटी है, अदर जो माइक आता है जैसे शॉटगन माइक या दूसरा कोई भी माइक आप ले लो, उससे जो क्वालिटी इसकी अच्छी आती है। सो गाइज, अभी मैंने जो है दोनों की इंटरनल माइक और ये वाले माइक की आवाज़ दोनों की सुनी। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये माइक से आप सुन रहे हो, मुझे ये माइक की आवाज़ बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि इसमें जो है नॉइज़ कैंसलेशन बहुत ही ज़्यादा है। इंटरनल माइक से आपको जो है दूसरी जो चीज़ों की आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा आएगी, बट इसमें जो है इधर जो नॉइज़ है उसकी आवाज़ आपको नहीं आएगी। बट क्वालिटी की बात करें गाइज बोया और ये वाले माउनो माइक की, वैसे प्राइस में ऑब्वियसली डिफरेंस है तो क्वालिटी में डिफरेंस तो रहेगा ही, बट 400 रुपीज़ में गाइज आई थिंक ये बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आपको माइक लेना है तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि इसको मैंने अभी यूज़ किया है और अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हो वो भी इसी में ही सुन रहे हो। एंड अभी मैं इसको यूज़ करूँगा, जब मैं बाहर जाऊँगा तब भी देखते हैं, बट माइक बहुत ही बढ़िया है। और साथ में हमें ये पाउच भी, कैरी पाउच भी मिलता है गाइज, अगर आपको बाहर लेके जाना है तो आपको आप इस कैरी पाउच में लेके जा सकते हो। सेम ऐसा ही मुझे बोया में भी मिला था जो कि अब तक मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये भी अच्छी क्वालिटी है। दिस इज़ ऑल्सो सेम गुड क्वालिटी। एंड बॉक्स, पिन, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। अभी बात करते हैं मैंने ये क्यूब परचेज़ किया। सो गाइज,
वैसे मेरे पास ऑलरेडी बोया का माइक था, बट फिर भी मैंने इसको क्यों परचेस किया उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। क्योंकि तो मेरे पास GoPro तो था ही, तो बट GoPro में मैंने माइक अटैच नहीं किया था अब तक। तो अगर मैं कुछ बोलना चाहता था तो GoPro का माइक इतना इंटरनल माइक जो है इतना सफिशिएंट नहीं आता कि वो आपके हेलमेट से आपकी आवाज़ सुन सके। सो दैट्स व्हाई आई परचेज दिस माइक, क्योंकि ये जो माइक है जाएगा अपने हेलमेट में। और इस माइक को जो हम GoPro में अटैच करेंगे फिर लगाएंगे हेलमेट में, वो कैसे लगाने वाले हैं वो सारी चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चल जाएगा गाइस। सो गाइस मेरा जो माउनो का माइक था उसको मैंने लगा दिया है अभी अपने हेलमेट में और इसको कनेक्ट कर दिया है GoPro के साथ में। अभी आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो वो माउनो के माइक से ही है और इसको मैंने हेलमेट में अंदर लगा दिया है। वैसे वॉइस क्वालिटी तो मुझे पता नहीं चल रहा है अभी कैसी आ रही है, बट आई एम श्योर दैट आपको अच्छा ही सुना दे रहा होगा। बट देखते हैं फिर मैं इसकी वॉइस क्वालिटी सुनूंगा और फिर क्वालिटी के बारे में आपको बताऊंगा। तो आई होप कि आपको जो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी गाइस। माउनो का माइक बहुत ही बढ़िया, मुझे तो 400 रुपीज़ में आई एम सेटिस्फाइड, फुली सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि मैंने परचेस किया है बस इसीलिए मैं इसकी तारीफ़ें कर रहा हूँ, बट मुझे सच्ची में मैंने जो मेरी वॉइस सुनी तो उसमें काफ़ी डिफरेंट दिखा मुझे। अगर आप ये माउनो का माइक लेना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे चेकआउट करके डायरेक्ट अमेजोन से परचेस कर सकते हो। अब करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको इसी तरह के किसी नए ब्लॉग में। सो टिल देन ड्राइव सेफ, यूज हेलमेट एंड टेक केयर। बाय बाय गाइस, बाय।